अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:52 से शाम 5:43 तक और शाम 7:57 से रात 9:52 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 10:04 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:52 से शाम 5:43 तक और शाम 7:57 से रात 9:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:52 से शाम 5:43 तक और शाम 7:57 से रात 9:52 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 11 दिसंबर की दोपहर 6:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:32 से दोपहर 2:49 तक। मुंबई दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:32 से 2:48 तक। लखनऊ दोपहर 1:18 से दोपहर 2:37 तक। भोपाल दोपहर 1:34 से दोपहर 2:54 तक। कोलकाता दोपहर 12:51 से दोपहर 2:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:27 से दोपहर 2:52 तक।